बच्चियां मिली हुई हैं और पुलिस ने बच्चियों को परिजनों को सौंप दिया है। सोमवार शाम से ये बच्चियां लापता हुई थी, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मंदिर में प्रसाद खाने के लिए चली गई थी बच्चियां और रात में रास्ता भटक गई थी, जिसको लेकर मंदिर में बच्चियां सोते हुए पुलिस को मिली है। तो देखिए, पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि दोनों बच्चियों के लापता होने से इलाके में सनसनी फैली हुई थी, हड़कंप मचा था, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और पुलिस के लिए दोनों बच्चियों को बरामद करना बड़ी चुनौती थी। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अमृतांशी, देखिए, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, दोनों बच्चियों को सही सलामत उन्हें ढूंढ लिया गया और परिजनों को भी सौंप दिया गया है। जी देखिए, सुबह ये जो दोनों बच्चियां लापता हुई थी, जिनका नाम बताया जा रहा था काजल और आरती है, कल शाम को ये दुकान पर सामान लेने गई थी, उसके बाद ये गायब हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार दोनों की छानबीन कर रही थी। उसके बाद ये पता चला कि एक मंदिर के पास ऑटो चालक ने उन्हें देखा था और ऑटो स्टैंड के पास ही ये जो दोनों बच्चियां हैं ये बरामद हुई हैं। मंदिर में प्रसाद खाने के लिए दोनों बच्चे अपनी मम्मी को बिना बताए जो है चली गई थी और उसके बाद ऑटो चालक ने उनको वहां पर पहुंचाया था। ऑटो चालकों के ग्रुप में जब इस तस्वीर को सर्कुलेट किया गया दोनों की, तो एक ऑटो चालक ने इसकी जानकारी दी कि ये दोनों बच्चे को उसने मंदिर के पास देखा था, दोनों बच्चियां रास्ता भटक गई थी, प्रसाद खाकर वहीं पर सो गई थी, इसलिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो गई। हालांकि दोनों ही बच्चियों को ऑटो चालकों की मदद से अब ढूंढ लिया गया है और दोनों ही सही सलामत वापस आ गई हैं और दोनों को ही परिजनों को भी सौंप दिया गया है। पुलिस ने कम ही समय में ये मामले को सुलझा लिया, लेकिन अब दोनों बच्चियां सही सलामत घर पर पहुंच चुकी हैं। चलिए, पुलिस के लिए शुभकामनाएं और परिजनों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमृतांशी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे